वन प्लस नॉट टू टी। हाँ गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट टू टी बाय करना चाहते हो तो आप लोगों को जैसे पता है इस फ़ोन का जो प्राइस है वो 28,990 रुपीज़, मतलब 29,000 रुपीज़ है। अब मैं बताने वाला हूँ इस फोन में कि कैसे कि आप इसको 25,000 रुपये में बाय कर पाओगे। तो शुरू पूरा देख लेना, जल्दी वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक आपने नहीं किया है। आज का वीडियो यहाँ पे वन प्लस, आप लोग जैसे पता है वन प्लस के जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके प्राइस ड्रॉप बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है इसका सेल में अच्छा डिस्काउंट लेना। और मगर हम आपका भाई यहाँ पर आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिलवा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो जानते हैं इस फ़ोन का जो प्राइस है वो 28,990 रुपीज़, मतलब वही है, कोई प्राइस फ़र्क हुआ ही नहीं है। बट आपको ऑफ़र क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको SBI का कार्ड लेना पड़ेगा, जुगाड़ करना होगा अगर नहीं है तो। SBI के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर EMI से भी आप लेते हो तो यहाँ पे 2,500 रुपये, मतलब 2,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी ऑफर है मेरे हिसाब से जिनके पास SBI का कार्ड है तो। और मैंने सेल के पहले भी कहा था कि भाई देखो, SBI का कार्ड कहीं ना कहीं से कर लो, क्योंकि SBI के कार्ड में ऑफ़र आते ही हैं, तो वहीं पर आपको 2,500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, अब आपको यहाँ पे 1,500 रुपये और कैसे डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2,500 रुपये मैं पहले क्लियर कर दूँ, डेबिट कार्ड में भी चल जाएगा, क्रेडिट कार्ड में भी चल जाएगा, तो 2,500 आपको मिलेगा, बस SBI का कार्ड जुगाड़ कर लो, ठीक है। अब 1,500 रुपये कैसे ऑफ मिलेगा और, तो वो मैं बात बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पुराना मोबाइल पड़ा है जैसे एक्सचेंज में, जिसकी वैल्यू 1,500 रुपये आपको मिल रही है, तो अगर आप उसको एक्सचेंज कर दोगे तो 1,500 रुपये का आपको ऑफ मिल जाएगा। एंड आपको 1,500 प्लस 2,500, तो वो आपको अराउंड मिल जाने वाला है 4,000 का टोटल डिस्काउंट। तो मतलब ये फ़ोन आपको सिर्फ 25,000 रुपये में मिल जाने वाला है। अब ये बहुत अच्छी डील है, बट आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जो है मेहनत करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं फ़ोन के ऊपर, तो फ़ोन तो बहुत अच्छा है यार 25,000 रुपये में। अभी रिसेंटली मेरी मम्मी ने बाय किया है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और इसका जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पैनल बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप चाहते हो तो इसका रिव्यू, मैं प्रॉपर रिव्यू लाने वाला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक महीने पूरा प्रॉपर मैं चला कर आप लोगों को बताऊँ। मैंने वैसे मैं तो नहीं चलाऊँ, बट मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ़ोन से, बिकॉज बहुत अच्छा फ़ोन है यहाँ पे वन प्लस की तरफ से। एंड इसका पैनल जो है वो एमोलेड पैनल है, स्प्लिट एमोलेड कहता है वन प्लस उसे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाता है, तो ओवरऑल फ़ोन का जो डिस्प्ले बहुत अच्छा है। चिपसेट आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा डायमेंसिटी का चिपसेट, तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। मतलब मेन देखा जाए तो फ़ोन अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड कैमरास भी अच्छे हैं, कैमरा जो है वो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, 50 पिक्सल का मेन है, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर भी मिलता है आप लोगों को, देन आप लोग यहाँ पे 4K कर पा सकते हो, रियर से OIS का सपोर्ट मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस फोन में बहुत अच्छी आपको देखने मिलती है। बैटरी जो है वो 6.5 mAh की बैटरी प्लस टाइप सी है, एंड 80W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिल जाती है। अब यह देखिए, फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, ये मैं लिटरली सच बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा बात है ये। और आजकल मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 50W से नीचे तो देना ही नहीं चाहिए, और क्योंकि यार अब किसी को कॉलेज जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को जॉब में जाना है अपने, तो भाई काम सबको अपने अपने काम है, तो भाई कम से कम इतना 50W तो हो कि भाई जल्दी से हम 10 मिनट भी चार्ज कर लें कि हमारा काम जो है वो चल जाए, तो ये तो होना चाहिए। और इसमें आपको आराम से वो मिल जाएगा 80W का फास्ट चार्जिंग, तो बहुत जल्दी फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो ये है पूरा वन प्लस नॉट 2T जो आपको सिर्फ 25,000 रुपये मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको शेयर किया कि क्या क्या करना है आपको। 2,500 रुपये SBI के कार्ड से लगाना है, एंड 1,500 आपको एक्सचेंज करना है अपना कोई पुराना मोबाइल जो आपको 1,500 वैल्यू दे रहा होगा। तो कमेंट में बताओ लेने वाले नहीं लेने वाले हो, मेरे हिसाब से अच्छी डील है अगर लेना चाहते हो तो, और अगर वेट करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कमेंट करके बता देना, क्योंकि सेल खत्म होने वाली है, तो जल्दी जल्द आपको यहाँ पर लेना होगा। और हमारा वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करके जाइएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं कम से कम दिन में एक डेली वीडियोस तो लेकर आने के लिए। तो चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहो, बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं। इन्स रखता हूँ, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।